हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम दिव्या। आज के मेरे इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ करने वाली हूँ एक प्रोडक्ट रिव्यू। तो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो मेरे पास यहाँ पर है ये मॉर्फी की द जैकलिन हिल पैलेट। तो ये एक आई शेडो पैलेट, तो मैं यही आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ आज। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, देखेंगे इसके कलर्स, इसके शेड्स वगैरह देखेंगे, प्राइसिंग, पैकेजिंग देखेंगे, पिगमेंटेशन देखेंगे, एवरीथिंग देखेंगे, सब कुछ शेयर करने वाली हूँ मैं आप लोगों के साथ में। तो बने रहिए आप लोग मेरे साथ, इस वीडियो का पूरा एंड तक देखिएगा अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं, अगर इस वीडियो को आप लोग देखना चाहते हैं, तो इस आई शेडो पैलेट के बारे में आप जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, पसंद आए, हेल्पफुल हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और चलो फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये है मॉर्फी की द जैकलिन हिल पैलेट। तो आपको कुछ इस तरह से इसके पैलेट, यू नो, आउटर बॉक्स कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। पैकेजिंग कुछ इस तरह से इसकी आती है। पीछे इन्होंने, यू नो, कुछ इन्होंने लिखा हुआ है वगैरह, क्रिएटिंग दिस पैलेट हैज ट्रूली बीन अ ड्रीम्स कम ट्रू फॉर मी, कुछ समथिंग इस टाइप का उन्होंने कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके बारे में कुछ खास नहीं, इन्ग्रीडियंट वगैरह नहीं है। तो हम देख लेते हैं इसकी इनर पैकेजिंग देख लेते हैं। तो जब आप इसको यहाँ से ओपन करेंगे कुछ, तो आपको अंदर से भी कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। ये एकदम से वाइट कलर में है, बट इन्होंने बस यहाँ पर, यू नो, इसका फॉन्ट अच्छे से डिजाइन में इसको यहाँ पे प्रिंट करके लिखा हुआ है मॉर्फी द जैकलिन हिल पैलेट। तो बाकी ये कम्प्लीटली वाइट है, कुछ भी इसके ऊपर नहीं है। और इसके पीछे भी इन्होंने यही भी लिखा हुआ है मॉर्फी एक्स जैकलिन हिल। एक बात यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ, ये मॉर्फी की द जैकलिन हिल पैलेट ये रियल वाली नहीं है, ये इसका ड्यूप है। तो ये ओरिजिनल वाली नहीं है, ये इसका ड्यूप पैलेट है। तो इसके जो शेड्स हैं मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। वाओ, व्हाट कलर्स! आपको यहाँ पर बहुत सारे प्यारे प्यारे शेड्स मिल जाते हैं। लाइक यहाँ पर आपको टोटल 35 शेड्स मिल जाते हैं। और आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर अच्छे खासे कलर्स मिल रहे हैं। लाइक आपको यहाँ पर मैट मिल जाता है, यहाँ पर आपको शिमर मिल जाते हैं, आपको यहाँ पर लाइट कलर मिल जाते हैं, यहाँ पर आपको बोल्ड कलर मिल जाते हैं। आप जैसा आई मेकअप क्रिएट करना चाहें आप वैसा आई मेकअप क्रिएट कर सकते हैं इस द मॉर्फी की जैकलिन हिल पैलेट के साथ में। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि अगर आप बिगिनर हैं और आपने नया नया मेकअप करना स्टार्ट किया, आपको बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं है, आपको मेकअप नहीं आता है, बट आप, यू नो, क्यूरियस हैं, आप मेकअप करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आप ऐसे अफोर्डेबल पैलेट्स ले करके उनके साथ में, यू नो, एक टेस्ट कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो, यू नो, आप अच्छे से वर्क कर पाएंगे, फिर आप परचेज कर सकते हैं। बिकॉज आपको मेकअप करना नहीं आता, बिकॉज मैं भी बिगिनर हूँ, मुझे भी कुछ खास मेकअप नहीं आता है इसलिए। और अगर मैं बात करूँ इसकी प्राइसिंग की, तो आई थिंक ये आपको पड़ जाती है 500 to 600 रुपीज़ की, क्योंकि इसके ऊपर कुछ भी मेंशन नहीं है। इसकी एक्सपायरी डेट, इसकी प्राइसिंग, इसकी इंग्रेडिएंट्स, मैन्युफैक्चर डेट, कुछ भी इसके ऊपर मेंशन नहीं है। तो मैं इसकी प्राइसिंग आप लोगों को स्क्रीन पर दे दूँगी, तो आप देख सकते हैं। और इसके जो कलर्स हैं उनकी पिगमेंटेशन मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, जस्ट अ सेकेंड। आप पहले कलर्स देख लीजिए, आपको यहाँ पर बहुत सारे कलर्स मिल जाते हैं। और अब मैं आप लोगों को यहाँ पर पिगमेंटेशन दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर मैं पिक करूँ कुछ 4 कलर्स पिक करूँगी, जैसा कि एक ये ब्राउन, और एक ये ब्लू, और एक ये ऑरेंज, और ये मरून। ये कैन सी इनकी पिगमेंटेशन काफ़ी अच्छी है। ये थोड़ा सा ऑरेंज जो कलर है इसका थोड़ा सा लाइट पिगमेंटेशन है, यू कैन सी हेयर, ये वाला तो थोड़ा सा ये लाइट कलर है। यहाँ पर आप थोड़ा अच्छे से वर्क कर सकते हैं। अगर आपको लाइट कलर चाहिए तो आप यहाँ पर लाइट कलर ले सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर लाइट है यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर डबल स्वाइप कर रही हूँ। ओके, तो यहाँ पर जिसका ये ऑरेंज जो शेड है वो हल्का सा लाइट है, और बाकी जो है भी वो आपको कैमरे में, यू नो, दिख नहीं रहा है यहाँ पर। तो इसकी पिगमेंटेशन भी काफ़ी अच्छी, जिस ये वन स्वाइप में आपको अच्छी खासी पिगमेंटेशन मिल जाती है। और ये अफोर्डेबल पैलेट है आपको, तो इसके बाद में आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क भी कर सकते हैं, आप, यू नो, 2-3 स्ट्रोक कर सकते हैं। और अभी हम थोड़ा देख रहे थे शिमर पैलेट के बारे में, तो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ शिमर, यू कैन सी व्हाट अ शाइन। तो आप देख सकते हैं, तो आपको, यू नो, ऐसा नहीं, आपके इसमें एक दो कलर्स ऐसे हैं, एक दो शेड ऐसे हैं जिसमें आपको थोड़ी सी लाइट पिगमेंटेशन है, तो आप उनके साथ में थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क कर सकते हैं। लाइक आप उनको 2-3 स्ट्रोक उन पर अप्लाई कर सकते हैं, बट बाकी कलर्स आप देख सकते हैं जिसका शिमर वाला शेड है, यू कैन सी द शाइन। तो ऐसा नहीं है कि आपको सारे कलर्स एकदम से आपको लाइट मिल रहे हैं, कुछ जो लाइट कलर हैं वो आपको लाइट मिल जाते हैं। और यहाँ पर ये जो येलो कलर है, यहाँ पर ये येलो कलर भी आपको थोड़ा सा लाइट ही मिलेगा, क्योंकि दिखने से मुझे लग रहा है। ओके, यू कैन सी, तो उतनी अच्छी पिगमेंटेशन इसकी येलो कलर की नहीं है। और हाँ, इनका जो फॉर्मूला है, यू नो, काफ़ी पाउडरी सा है, बहुत ज़्यादा, यू नो, एकदम से ऐसे चंकी सा नहीं है, पाउडर सा है। और ये जो ग्रीन कलर मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये बहुत ही प्यारा शेड है, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, तो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ,
यू कैन सी इतनी ज़्यादा पिगमेंटेशन। मैंने आप लोगों को बोला कि आपको एक दो शेड ऐसे मिलते हैं जहाँ पर आपको कम पिगमेंटेशन मिलती है, बाकी आप देख सकते हैं यू कैन सी। तो अभी मैं आप लोगों को सारे शेड तो सजेस्ट करके नहीं दिखा सकती हूँ, बट ये जो मुझे ये मेरा फेवरेट शेड है इसमें सबसे मुझे यही अच्छा लगा। और इसके साथ में मैंने यू नो एक आईज मेकअप भी क्रिएट किया, तो सोनाक्षी सिन्हा इंस्पायर्ड मेकअप लुक मुंगड़ा सॉन्ग का। तो अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो मैं आई बटन पर उसका लिंक दे दूँगी, आप देखिएगा मुझे बताइएगा भी कैसा लगा। मैंने यू नो कुछ फर्स्ट टाइम से अचीवमेंट यू नो ट्राई किया था, कुछ अचीव करने का कोशिश की थी, तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। ओके तो मैं बात करी इसके फॉर्मूला की। इसका जो फॉर्मूला है वो काफ़ी ज़्यादा पाउडरी है, यू नो सॉफ्ट सा बटरी सा सॉफ्ट सा है, क्रीमी फॉर्म इसका नहीं है, इसका यू नो पाउडर फॉर्म में है। बट ऐसा नहीं है कि यू नो आपका ऐसा पाउडर भी नहीं है कि आपने इसको लगाया, बट कुछ ये जो येलो कलर वाला है ये हल्का सा थोड़ा सा झड़ने से वाला सा पाउडर सा लग रहा है। बाकी जो इनके जो बाकी शेड्स हैं वैसे चंकी सा नहीं है, बहुत ज़्यादा झड़ने वाला नहीं है। तो मुझे इनका फॉर्मूला काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, बिकॉज ये इतना ज़्यादा पाउडरी नहीं है, बहुत ज़्यादा चंकी नहीं है, अब बहुत ज़्यादा सटल सा है। आपके जो अब जब भी आप इसको ब्लेंड करेंगे, मैंने ये कलर ब्लेंड किया था और मैंने इन दो शेड और भी ब्लेंड किए थे, तो आपके बहुत ही अच्छे से ब्लेंड हो जाते हैं, ईजिली ब्लेंड हो जाते हैं। जब आप इन्हें ब्लेंड करेंगे तो बहुत ही ईजिली ब्लेंड हो जाते हैं, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपकी यू नो आप लगाएंगे तो आपके फेस एकदम झड़ने वाला है, आपको बिल्कुल भी पिगमेंटेशन नहीं मिलेगी। मैंने आप लोगों को दिखाया, एज यू कैन सी द पिगमेंटेशन अच्छी खासी पिगमेंटेशन मिल जाती है। और जब भी आप इनको आईज़ पर ब्लेंड करेंगे तो आपको आईज़ पर भी अच्छी खासी पिगमेंटेशन देखने को मिलेगी। आप जैसा भी लुक अचीव करना चाहेंगे इस पैलेट से आपको वैसा लुक देखने को मिल जाएगा। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि इसके साथ में आप जैसा आई मेकअप चाहे वैसा आई मेकअप आप यू नो क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको लाइट मेकअप करना है तो आप लाइट मेकअप कर सकते हैं, आपको बोल्ड आई मेकअप चाहिए तो आप बोल्ड आई मेकअप भी इसके साथ में अचीव कर सकते हैं, बिकॉज इसमें यू नो आपको ब्लैक कलर भी मिल जाता है। ये साथ इंटेंस ब्लैक तो नहीं है, एज यू कैन सी मैं आप लोगों को दिखा दी जस्ट अ सेकेंड मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, ये एकदम से ब्लैक तो नहीं है। ओके या इसकी पिगमेंटेशन इतनी अच्छी नहीं है, ब्लैक एकदम से इंटेंस ब्लैक नहीं है, बट अगर आप इसके साथ में दो तीन बार यू नो दो तीन स्ट्रोक करेंगे तो ये आपको ब्लैक कलर मिल जाएगा। तो मुझे ये पैलेट काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी, बिकॉज यू नो ये काफ़ी अफोर्डेबल है, आपको मिल जाती है, और इसमें जो पिगमेंटेशन कलर्स वगैरह आपको काफ़ी सारे यू नो टाइप वैरायटी ऑफ कलर्स मिल जाते हैं, तो आप इनके साथ में बहुत ही अच्छे से वर्क कर सकते हैं। इवन आप बिगिनर हैं तो भी इसको ले सकते हैं, अगर आप प्रोफेशनल हैं तो भी आप इसके साथ में जा सकते हैं। तो मैं आपको लोगों को सजेस्ट करूँगी अगर आप बिगिनर हैं तो आप ऐसी अफोर्डेबल पैलेट्स जो भी यू नो हिलेरी रोडा और हुडा ब्यूटी जैकलिन हिल, तो अगर आपको यू नो ऐसे ड्यू पैलेट मिलती है तो आप ले करके इनके साथ में अगर आप बिगिनर हैं तो अच्छे से वर्क कर सकते हैं, आप अपना यू नो मेकअप सीख सकते हैं। तो ये था मेरा कुछ इसका रिव्यू उसके साथ में और इसके स्वेचेस वगैरह, क्योंकि इसकी एडियंस और इसकी मैन्युफैक्चर डेट वगैरह तो इसके ऊपर कुछ मेंशन नहीं है, काफ़ी कुछ खास इसके ऊपर मेंशन नहीं है, तो बस जो कुछ इसके ऊपर मेंशन है वो मैंने आप लोगों को दिखा दिया। और इसकी जो खास बात ये होती है हमारे कलर्स कैसे, हमारे शेड्स कैसे और इनकी पिगमेंटेशन कैसी, फॉर्मूला कैसा है, जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया। इनकी पिगमेंटेशन के कलर्स इनका फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, या इट्स ओके विथ मी, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, मेरा रिव्यू आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलेगा। और भी ऐसे अमेजिंग वीडियोस को एंजॉय करने के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। तो मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।